हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप सभी को स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही होगी। तो कल की क्लासेस में हम लोगों ने एनिमल हार्मोन स्टार्ट किया था। एनिमल हार्मोन्स में मैंने आप लोगों को कल पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है आप लोगों का थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ा था जिसमें थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, कहाँ पर उपस्थित होता है, थायराइड जो ग्लैंड है। पॉइंट नंबर वन, अगर थायराइड हार्मोन है तो ये कहाँ से सिक्रीट होंगे, कहाँ से स्त्रावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं। कौन? आपके जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो। और दूसरी चीज ये कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये एक जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनका नाम होता है थायरोक्सिन। ये जो थायरोक्सिन है इसे हम T4 भी बोलते हैं, ठीक है। इसी है थायरोक्सिन को T4 में शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जो है, ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नाम के हार्मोन जो है उसे स्रावित करती है, उसका स्रावण करती है। थायरोक्सिन को ही हम T4 बोलते हैं। अब आगे जाके यही थायरोक्सिन जो है T3 में बदल जाता है और काम करता है जो उसका काम रहता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का ऐसा कंडीशन होता है, ऑटो इम्यूनिटी का कंडीशन, जिसमें हमारी बॉडी इस T3 को, जो T3 हार्मोन है वो हमारे काम का हार्मोन है, लेकिन इसी को वो क्या करने लगती है, नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो T3 हार्मोन को अगर वो नष्ट करना स्टार्ट कर देगी, नष्ट करना चालू कर देगी हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में इस T3 हार्मोन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर कमी होगी तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हार्मोन की कमी है, हार्मोन्स का जो संतुलन बिगड़ रहा है उस संतुलन को बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ा मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो थायराइड के भी दो दो प्रकार होते हैं। एक होता है हाइपरथायराइड, जिसको थायरॉइडिज्म भी बोलते हैं, और एक होता है हाइपोथायराइड। ठीक है, जो हाइपर थायराइड है, यहाँ पर जो मैंने पहले लिखा है नाम, ये हाइपर थायराइड में क्या होता है, हाइपर थायराइड में इसकी कमी नहीं होती है, इसकी अधिकता हो जाती है। किसकी? आपकी T3 हार्मोन की। ये अधिक मात्रा में जो है आपके प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं। थायराइड के दो प्रकार हैं, थायराइड होने के, थायराइड लोगों में दो प्रकार से होता है। एक होता है हाइपर थायराइड और एक होता है हाइपोथायराइड। हाइपर थायराइड जो है, हाइपर थायराइड अगर किसी पर्सन को है, किसी इंसान को है, तो उसमें ये जो T3 हार्मोन होता है उसकी कमी नहीं होती है, वो अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, अधिक ज्यादा ज्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है, वो अधिकतम मात्रा में उपस्थित रहते हैं T3 हार्मोन। तो अधिक होने की वजह से, हाइपर होने की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं, हमारी बॉडी के जितने भी कार्य हैं, उनमें संतुलन बिगड़ेगा। साथ ही साथ हाइपर थायराइड होने में लोगों का वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। वेट लॉस हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा जो है वजन में कमी आना स्टार्ट हो जाती है, लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पतले दिखने लगते हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है। और मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का, खाने का तरीका, पाचन करने का तरीका, वो भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, जिसमें अगर T3 हार्मोन की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है। और हाइपोथायराइड में क्या होता है कि T3 हार्मोन की जो है कमी हो जाती है। हाइपोथायराइड में कमी होने की वजह से वजन में कमी तो नहीं होगी, लेकिन वजन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली थायराइड की बीमारी जो है ये फीमेल्स में सबसे ज्यादा नोटिस की गई है, थायराइड की बीमारी। ये ऑटोइम्यून होता है, ये डिजीज अपने आप बॉडी में होती है, इसका कोई अभी तक रीजन अच्छे से पता नहीं चल पाया है। उस पर रिसर्च भी चल रहा है कि क्यों होता है, अचानक से ऐसा क्यों होने लगता है। तो वजन जो है हाइपोथायराइड में वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, तो ये एक हुआ। लेकिन आप लोग को मेन ये चीज ध्यान रखना है कि जो थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्रंथि से जो थायराइड हार्मोन निकलता है, वो कौन सा थायराइड हार्मोन निकलता है, ये होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को ही हम T4 भी बोलते हैं, और साथ ही साथ T4 आगे जाके T3 में कन्वर्ट होता है, जो मेन एलिमेंट है, जो मेन कार्य करता है हमारा। ठीक है, तो T3 का सही मात्रा में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर T3 में कमी हुई तो फिर आपका हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, T3 में अधिकता हुई तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। तो उसका एक सही निश्चित मात्रा में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो था आपका थायराइड की बात। अब हम लोग जो है, ये मैंने कल आप लोगों को फंक्शंस के बारे में बताया था कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपके थायराइड हार्मोन के। आज जो है हम लोग दूसरा हार्मोन पढ़ने वाले हैं, वो है आपका पैंक्रियाटिक हार्मोन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पैंक्रियाटिक हार्मोन, ठीक है, पैंक्रियाटिक हार्मोन के बारे में देखते हैं। एक सेकेंड, जो पेंक्रियाटिक हार्मोन है, तो इसमें एक वर्ड आया है पेंक्रियाटिक। पेंक्रियाटिक कहाँ से आया है? पेंक्रियास से। और पेंक्रियास मतलब क्या होता है? पेंक्रियास मतलब होता है अग्नाशय, आपकी बॉडी का अग्नाशय जो होता है, या फिर जिसे हम पाचक ग्रंथि भी बोलते हैं, उसे हम क्या, उसका मतलब होता है आपका पैंक्रियाज। ठीक है, इंग्लिश में पैंक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय या फिर पाचक ग्रंथि। अब ये जो पैंक्रियाज रहता है, जो इसमें से जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं जितने भी, उन्हें हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक हार्मोन। अब ये जो पैंक्रियाटिक हार्मोन, या जो ये पैंक्रियाज है, मतलब जो अग्नाशय या जो पाचक ग्रंथि जो है पैंक्रियाज, ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की कैटेगरी में भी है और ये बाह्य स्त्रावी भी है, बहिस्त्रावी या फिर बाह्य स्त्रावी, और मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ये दोनों ग्रंथियों के टाइप में आता है। कौन? आपका पैंक्रियाज ग्लैंड, मतलब आपकी पाचक ग्रंथि या फिर अग्नाशय, पैंक्रियाज। ठीक है, इट इज सिचुएटेड ट्रांसवर्सली बिलो द स्टमक। ये कहाँ पर रहता है उपस्थित? ये हमारे स्टमक, मतलब पेट के जस्ट नीचे, हमारे स्टमक मतलब पेट के जस्ट नीचे। ठीक है, बिलो द स्टमक, बिटवीन द कर्व ऑफ एब्डोमिनल एंड स्प्लीन। इसको अगर मैं फोटो के नाम से समझाऊं तो आप लोग को मैं फोटो दिखा देती हूँ, जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपका जो पैंक्रियाज है कहाँ पर उपस्थित है? जो आपका पैंक्रियाज है, ये जो येलोइश हिस्सा जो दिख रहा है, वो आपका क्या है? पाचक ग्रंथि, या जिसे अग्नाशय बोलते हैं, ये क्या है आपका? पैंक्रियाज है। ठीक है, पैंक्रियाज। और ये कहाँ पर स्थित होता है? स्टमक और स्प्लीन के नीचे। ये आपका जो डार्क पिंक दिखाई दे रहा है, ये स्प्लीन है, और ये आपका स्टमक। स्टमक और स्प्लीन के नीचे ट्रांसवर्सली, मतलब जो है स्लाइटली साइड में, नीचे में आपका पैंक्रियाज जो है, अग्नाशय जो है, वो पाया जाता है। अब यहाँ से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं, इस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट से, जो एक ग्रंथि है पाचक ग्रंथि, यहाँ से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपके आपके पैंक्रियाटिक हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है। तो पैंक्रियाटिक हार्मोन्स किसे बोलते हैं, जो पैंक्रियास से स्रावित होते हैं, और पैंक्रियास जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और एक बहिःस्रावी ग्रंथि, मतलब एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, और ये स्टमक और स्प्लीन के नीचे जो है पाया जाता है। इट इज कॉम्पैक्ट एंड लोबिलेटेड ऑर्गन, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है, मतलब बहुत ही छोटा ऑर्गन भी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जैसा कि आप लोग अभी डायग्राम में मैंने दिखाया कि बहुत छोटे से हिस्से में ये उपस्थित है, और साथ ही साथ जो है लोबिलेटेड भी है। द पेंक्रियाज इन ऑल द वर्टिब्रेट्स इज कम्पोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल। अब अगर बात की जाए आप वर्टिब्रेट्स की, जो जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं, जो कॉर्डेट होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं, उनमें जो आपका पेंक्रियाज जो होता है, जो अग्नाशय होता है, वो दो प्रकार के सेल्स से मिलकर बना रहता है, टू टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अभी दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसे देखते हैं। पहला तो ये द ग्लैंडुलर और एक द ग्लैंडुलर, ठीक है, एक होता है ग्लैंडुलर कोशिका। या फिर ग्लैंडुलर, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे नाम को ग्लैंडुलर कोशिका, या फिर ग्लैंडुलर सेल। द ग्लैंडुलर और एक्नर विच मेक्स अप द बल्क ऑफ द पेंक्रियाटिक टिश्यूज एंड सिक्रीट स्लाइट डाइजेस्टिव जूस इनटू द ड्यूडेनम बाय द पेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो ग्लैंडुलर सेल है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका जो पेंक्रियाज होता है, जो पेंक्रियाज है वो क्या करता है, पेंक्रियाज जो है ये दो प्रकार के सेल से मिलकर बना है। पहला जो सेल है ये है आपका आपका ग्लैंडुलर सेल। अभी ग्लैंडुलर सेल क्या होता है, ग्लैंडुलर सेल क्या होता है, जैसे कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि पहले कोशिका होती है, और कोशिका बहुत सारी मिलने पर वो किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है, मतलब बहुत सारे सेल्स, कोशिका मतलब सेल्स, ठीक है, कोशिकाओं को हम सेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और ऊतक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यूज, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, मतलब दो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। तो ग्लैंडुलर सेल्स बहुत सारे मिलेंगे तो ये टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। ग्लैंडुलर सेल्स मेड अप द बल्क ऑफ द पेंक्रियाटिक टिश्यू, और ये कौन से टिश्यूज रहते हैं, पेंक्रियाटिक टिश्यूज होते हैं, अग्नाशय के ऊतक होते हैं, पेंक्रियाटिक टिश्यू अग्नाशयी ऊतक, ठीक है, अग्नाशय के ऊतक होते हैं। और ये अग्नाशय के ऊतक जब बनते हैं, जैसे ही आपका बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स मिले और वो पैंक्रियाटिक सेल बना लिया, तो पैंक्रियाटिक सेल्स से जैसे ही बनते हैं तो ये क्या करते हैं, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मतलब सॉरी एक जूस सिक्रीट करते हैं, वो जो जूस रहता है वो डाइजेस्टिव जूस होता है। क्या सिक्रीट करेंगे, किसका स्रावन करेंगे, ये डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, पाचक रस इसे स्त्रावित करते हैं, जाए डाइजेस्टिव जूसेस को, और वो कहाँ करेंगे स्त्रावित, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में, इन ड्यूडेनम। और ये ड्यूडेनम तक पहुंचेगा कैसे, यहां से निकला पैंक्रियाटिक टिश्यू से डाइजेस्टिव जूस निकला, ये पाचक रस निकला, लेकिन ड्यूडेनम तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, उसको एक नली चाहिए। तो ये डक्ट के जरिए, नलिका के जरिए पैंक्रियाटिक जूस जो है, सॉरी डाइजेस्टिव जूस जो है, ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये नलिका के द्वारा होते हुए, डक्ट के द्वारा होते हुए कहाँ पहुंचता है, आपका ड्यूडेनम तक पहुंचता है, ठीक है। ये एक ग्लैंडुलर सेल के बारे में देखा हमने, जो दो प्रकार के सेल से मिलकर बना है आपका जो ये है पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ये आपके ग्लैंडुलर सेल और आपके दूसरे एक और सेल उससे मिलकर बने। तो ग्लैंडुलर सेल के बारे में मैंने बता दिया, जो कि ग्लैंडुलर सेल्स मिलकर टिश्यूज का निर्माण करते हैं, जो पैंक्रियाटिक टिश्यूज होते हैं, और यही पैंक्रियाटिक टिश्यू क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, एक जूस, एक पाचक रस का पाचक रस को स्त्रावित करते हैं, और यही डाइजेस्टिव जूस बाद में जाता है ड्यूडेनम तक के, किसके जरिए, नलिका के जरिए, एक डक्ट के जरिए, ठीक है।
इसके बाद है दूसरा, जो दूसरा कौन सा सेल है जिससे मिलकर बना रहता है आपका जो ये रहता है, आपका पेंक्रियाटिक जो हार्मोन है, वो पहला जो ग्लैंडुलर सेल्स के सेल से मिलकर बना, दूसरा ये बना रहता है पॉलीगोनल सेल से मिलकर। जो दूसरा सेल है वो है पॉलीगोनल सेल, पहला जो सेल था वो क्या था आपका ग्लैंडुलर सेल, जिससे दो प्रकार के सेल से मिलकर आपका क्या बना है पेंक्रियाटिक, आपका जो पेंक्रियाज है वो मिलकर बना है ये पेंक्रियाटिक हार्मोन। ये जो दो सेल्स हैं जिसमें ग्लैंडुलर सेल के बारे में हमने देख लिया, जो एक डाइजेस्टिव जूस का स्रावन करता है जो नलिका से होते हुए ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है। अब जो है मैं आप लोग को दूसरा जो सेल है जो पॉलीगोनल सेल बोलते हैं, जो पॉलीगोनल सेल से मिलकर बना है, जो दूसरा प्रकार का सेल है, ये जो पॉलीगोनल सेल है इसे हम इसलेट टिश्यूज भी बोलते हैं, एंड विच डू नॉट हैव एनी मीन्स फॉर एम्प्टिंग देयर सिक्रीशन एक्सटर्नली बट इंस्टीड पोर देयर सिक्रीशन। ये क्या करते हैं, ये जो सेल रहते हैं इन लोग क्या करते हैं, पैंक्रियास के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं रहती है इन पॉलीगोनल सेल्स के पास कि ये जो है पैंक्रियास के हार्मोन को स्त्रावित कर सके अच्छे से, ठीक है। ये सभी सेल्स जो है हेल्प के लिए आए हैं, जाहिर सी बात है, किसे हेल्प दे रहे हैं, ये पैंक्रियाज हार्मोन को जो है वो हेल्प कर रहे हैं हार्मोन को स्रावित करने के लिए। लेकिन जो पॉलीगोनल सेल्स हैं इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें ये सक्षमता नहीं पाई जाती है कि ये पैंक्रियाज के हार्मोन को स्त्रावित कर सके जिस जगह पे इसे जाके स्त्रावित करना है वहां पर, ठीक है, स्त्रावित नहीं कर पाता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, आप पॉलीगोनल सीक्वेंस सेल पॉलीगोनल सेल्स जो हैं हार्मोन्स को, आपके जो पैंक्रियास के हार्मोन्स हैं उनको वो रख लेता है, पॉइंट नंबर वन, इनको रख लिया। अब रखने के बाद जो है ये कैसे करेगा प्रोसेस, ये कैसे करेगा, जिनको भी आवश्यकता है इस हार्मोन की, या फिर नॉर्मली इस पहले जिस पर्टिकुलर अंग को उस हार्मोन की आवश्यकता है वहां जाके इसे ये पोर कर देगा, पोर करने मतलब बहा देगा, ये जिस जी जहां जहां पर जरूरत है वहां वहां पर जाके ये पोर कर देगा। लेकिन ये अलग से पहले से उसको नहीं दिया जाएगा, नहीं तो अगर अलग से पहले से अगर हार्मोन चले जाएगा तो वो दूसरे चीज में भी यूज हो सकता है, इसलिए ये क्या करेगा सिक्रीशन करने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं हार्मोन्स को पॉलीगोनल सेल्स जो है अपने पास रखे रहते हैं और पोर कर देते हैं जहां पर जाके इन्हें पोर होना रहता है, जहां पर जाके अपना असर दिखाई देना दिखाना रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन है, ग्लाइकोजन है, डिफेक्टिव आपके ब्लड्स होते हैं, जो वो जगह जहाँ पर जाके आपका पैंक्रियाटिक हार्मोन जो है बीमारी को ठीक कर सकता है वहां पर जाते हैं, लेकर कौन जाता है, ये पॉलीगोनल सेल जो है इनको लेकर जाते हैं, किन्हें, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स को, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपका पॉलीगोनल सेल्स से है वो काम करता है। तो यहाँ पर हमने टाइप देख लिया, टाइप के अंदर ही कुछ टाइप्स देख लिया, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को थायराइड हार्मोन का एग्जाम्पल दे के बताया था, आज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। आज जो है मैं आप लोगों को क्या पढ़ाई हूँ, आज मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ पैंक्रियाटिक हार्मोन, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कवर कर लेते हैं। इसमें पहला है इंसुलिन, इंसुलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1921, इंसुलिन के बारे में दिया, जिसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पैंक्रियाटिक हार्मोन का एक प्रकार है कौन, आपका इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, इस इंसुलिन को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया, सबसे पहले पृथक किसने किया था, सबसे पहले इसका पृथककरण जरूरी थी, पृथककरण करने के लिए किसने किया था, सबसे पहले आइसोलेट इसे 1921 में इसे आइसोलेट किया था, पृथक किया गया था, आइसोलेट किया गया था 1942 फ्रॉम द पेंक्रियाज ऑफ डॉग्स। कहाँ से निकाला गया था इस इंसुलिन को,
डॉग्स मतलब कुत्तों के पेंक्रियास से निकाला गया था, डॉग्स के पेंक्रियास से निकाला गया था, और साथ ही साथ जिन्होंने निकाला पेंक्रियास के डॉग्स के पेंक्रियास से किसने निकाला, एक साइंटिस्ट 1921 फ्रॉम द फिनोमिना फ्रॉम द पेंक्रियास ऑफ डॉग्स। अच्छा इसमें ना साइंटिस्ट का नाम दिया वो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग से आप लोग एक चीज याद रखें, अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं देना तो एटलीस्ट आप डेट याद रखो। जैसे यहाँ पर 1921 में लिखा है तो मैंने एग्जैक्ट बताया है आप लोगों को। द केमिकल सब्सटेंस एट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन हैज बीन डिटरमाइंड बाय स्केंजर एंड द कंसिडरेबल वर्क एट कॉम्बन यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर वन, इंसुलिन को 1921 में आइसोलेट तो कर लिया गया था, अलग कर लिया गया था ताकि हम उसकी स्टडी कर सके, उसके बारे में जान लिए क्या क्या फायदा होता है, लेकिन इसके बारे में उतना जानना ही काफी नहीं था। इससे दूसरे साइंटिस्ट भी आए और खोजबीन करी और उन्होंने बहुत सारी चीजें पता लगाई कि कहाँ जब ये दवाई जब जब ये हम लोगों को बॉडी में रहता है इंसुलिन तब क्या प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन में नहीं रहने पे इंसुलिन की कमी होने पे क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कई लोगों को बहुत हाई शुगर वाले रहते हैं तो उनको इंसुलिन लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में शुगर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता रहता है, कुछ कंटेंट है शुगर के हमेशा जो बच जाते हैं, इस वजह से उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका एक था इंसुलिन, इंसुलिन के कुछ फंक्शन है उसे देखते हैं। इंसुलिन हैज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए या फिर पाचन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो इंसुलिन अगर नहीं है और अगर आप शक्कर खा रहे हो तो वो तो पचेगा ही नहीं ना, तो शक्कर को डाइजेस्ट करने के लिए शक्कर के मेटाबॉलिज्म के लिए आपको जिनको शुगर होता है हाई शुगर वाले जिनको शुगर तो है उनकी बॉडी में लेकिन वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है वो इंसुलिन उनको लेना पड़ता है, इंसुलिन या तो इंजेक्शन के फॉर्म में लेना ही रहता है उनको, ठीक है। इट फैटी फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स इनटू द सेल बाय पेनिट्रेटम ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फ्रैगमेंटिंग फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। ये जो है ग्लूकोज की एंट्री को और साथ ही अन्य शुगर की एंट्री को जो है बहुत अट्रैक्ट करता है कि बॉडी में आए करके, लेकिन अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इंसुलिन का होना आवश्यक है। दिस रिजल्ट इन द लोअरिंग द शुगर कंटेंट ऑफ द ब्लड। और अगर इंसुलिन इंसुलिन की वजह से ही आपका लो शुगर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लो शुगर की प्रॉब्लम होती है, शुगर कंटेंट लोअर लोअरिंग द शुगर कंटेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड में शुगर की मात्रा जो है लो हो जाती है इंसुलिन की प्रॉब्लम की वजह से, और इंसुलिन लेना भी पड़ता है, अगर इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन बहुत ज्यादा आवश्यक है ताकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो सके, कार्बोहाइड्रेट के साथ उपापचय की क्रिया हो सके अच्छे से, और उसके बाद में आपके साथ जो है उपचय की क्रिया हो सके, क्योंकि आप सभी कार्बोहाइड्रेट को किसी न किसी रूप में खा रहे हैं, दाल के रूप में सॉरी चावल के रूप में, रोटी के रूप में, सब्जी के रूप में, आलू भी खा रहे हैं तो उसमें भी आप कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में प्रचुर मात्रा में है, तो उन्हें डाइजेस्ट करना भी जरूरी है, डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है मेटाबॉलिज्म के लिए, इंसुलिन नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ यहाँ पर आपका थायराइड हार्मोन और पेंक्रियाज हार्मोन भी खत्म हुआ। एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा चीजें, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।